बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग स्कूल एंड कॉलेज वीक 8 लेक्चर 24 ग्रेड 5 सेक्शन एबीसी सब्जेक्ट एसएसटी टॉपिक मिनरल्स पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज पेज नंबर 48। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 24। रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, आवर नेबर्स ईरान इंडिया अफगानिस्तान चाइना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ट्रेड पार्टनर्स इन एशिया एंड वर्ल्ड वाइड, सीपैक, यूएम मेंबरशिप, साग एंड ओआईसी, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। मिनरल्स पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, इसके कुछ वर्ड्स हैं। ड्रिल वर्ड्स, मिनरल आर सब्सटेंस दैट सच एज कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट दैट इज नेचुरली फॉर्म्ड अंडर द ग्राउंड, मेटालिक हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, एक्सप्लॉइट एन एक्साइटिंग एक्ट और एक्शन, या फिर एक बहुत बड़ा कारनामा, माइन, अ पिट और टनल, टनल फ्रॉम विच मिनरल आर टेकन। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे मिनरल्स पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स बोलते हैं मादनियात को, पावर रिसोर्सेज बोलते हैं तवानाई के ज़राए को, एंड इंडस्ट्रीज और सनतों को। ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी एक ज़राती मुल्क है, और मौजूदा सालों में इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रियलाइज यानी सनती हो चुका है। और एन इंडस्ट्रियल कंट्री, एक जो सनती मुल्क है, प्रोड्यूसेस गुड्स, चीज़ें बनाता है या पैदा करता है यूजिंग इट्स ओन पावर, अपनी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का। एंड एनी कंट्री दैट वॉन्ट्स टू डिवेलप न्यू इंडस्ट्रीज़, अगर कोई मुल्क नई इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहता है, मस्ट हैव पावर, वाटर, तो उसके पास तवानाई, पानी, रॉ मटीरियल्स, खाम माल, मशीन्स एंड वर्कर्स जो हैं वो होने चाहिए, ये सब चीज़ें उनके पास मौजूद होनी चाहिए। मिनरल्स जो हैं वो स्पेशली उसमें आ जाता है, मादनियात में आयरन ओर है, आयरन धात है, और ये आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, ये हमारी सनतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान में देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, पाकिस्तान में जो गैर धाती चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स, लेकिन ये जो धातें हैं वो बहुत कम हैं। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड, मिनरल जो हैं वो मादनियात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते टू फाइंड, यानी कि उनको तलाश करना या उनको पाना जो है वो मुश्किल नहीं होता, बट आर सम टाइम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट, लेकिन बाज़ औकात इससे कोई बड़ा काम लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, क्योंकि इनको जो है ना खोदा जाता है, यानी सुरंग से निकाला जाता है या ज़मीन में से खोदा जाता है, या कान जो है ना इनकी कानों में से इनको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसको रिफ़ाइन करना, साफ़ करना, एंड ट्रांसपोर्टेड बिफोर, और इससे पहले कि इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है साफ़ सुथरा खालिस बनाकर, दे कैन बी यूज्ड, और इस्तेमाल करने से पहले जो है ना इसको खोदना, इसको साफ़ करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है। बिफोर अ मिनरल इज़ माइंड, इससे पहले कि मिनरल जो है उसको निकाला जाए, अ स्टडी हैज़ टू बी मेड टू फाइंड आउट इट इज़ If it is worth mining or not, sometimes the costs are too high or the amount that can be produced is too little. Sometimes ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ये जो माइंस यानी ये जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा इनकी जो कीमतें हैं बहुत हाई होती हैं, लेकिन जो इसकी अमाउंट है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, खाम माल को, और एनी मैटर, कोई भी चीज़ जो है विच इज़ अ नेचुरल स्टेट, जो कि कुदरती हालत रखती है, कोई भी मादा चीज़ जो कुदरती हालत रखती है एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड, और जो कि इंसान नहीं बनाते, इज़ अ रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड वुड, कुछ रॉ मटेरियल्स में प्लांट्स हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सतह ज़मीन पर पाई जाती हैं, चट्टाने वगैरह। ठीक है, दरख्त हैं यानी लकड़ी, और प्लांट्स, पौधे वगैरह जो हैं इनको हम, ये इनसे रॉ मटेरियल बनते हैं। हाउ एवर अंडर द अर्थ सरफेस देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, सतह ज़मीन पर बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। देयर आर मिनरल
सच एज आयरन ओर, कॉपर, करोमाइट, गोल्ड एंड सिल्वर. ये सारी क्या हैं? मेटालिक मिनरल्स हैं, यानी कि ये भी धात ही की तरह के मादनियात हैं. और देयर आर नॉन मेटालिक मिनरल्स, गैर धाती जो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, उनमें आ जाता है सल्फर है, रॉक है, सॉल्ट है, बराइट है, जिप्सम है, सोपस्टोन, फ्लोराइट, मैग्नेसाइट, सेलिस्टाइट एंड प्रीशियस स्टोन्स, और कीमती पत्थर लाइक डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड रूबीज. ये सारे जो हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. और द माइनिंग इंडस्ट्री, कान कुनी की जो सनत है, यानी इसमें आ जाता है रॉक सॉल्ट, यानी जो नमक की चट्टान है, वॉज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872. 1872 में पाकिस्तान में ये पहली बार जो है ना निकाली गई इसकी कान. और इन 1974 में द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. एर पाकिस्तान ने एक जो है ना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है ना आगाज़ किया. और इट्स जॉब वॉज, इसका काम क्या था? टू डिवेलप द कॉपर माइन्स, कॉपर माइन्स की को निकालना था एट सैंदाक इन बलूचिस्तान, सैंदक के मुकाम पर बलूचिस्तान में. ठीक है, इनको कॉपर की जो सुरंगे हैं या कॉपर जो है उसको खोदना था. इन 1979 में द जेमस्टोन कॉरपोरेशन, जेमस्टोन का मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पत्थर है जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको पॉलिश किया जाता है, तराशा जाता है और फिर उसे ज्वेलरी ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता है. कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड टू फाइंड जेमस्टोन. और इसको जो है ना जेमस्टोन वगैरह बनाने के लिए जो है ना इस्टेब्लिश किया गया एंड सेटअप एंड इंडस्ट्री, और एक इंडस्ट्री बनाई गई. फर्दर हम जो है ना रीडिंग करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की. ठीक है, ये टेबल आपके सामने दिया हुआ है. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. आज के इस लेसन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. बच्चे जो है वो ये बता सकेंगे पाकिस्तान का सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर.